हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेसिस की, जिसमें हमने टर्शियरी अमीन्स और क्वार्टरनरी अमीन्स की बात की थी। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मायस्थेनिया ग्रेविस, जो कि पेपर में आता है। सीधा पूछते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मायस्थेनिया ग्रेविस। तो पहले बात करेंगे मायस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है, फिर बात करेंगे कौन कौन से ड्रग्स देते हैं और कैसे कैसे इसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले मायस्थेनिया ग्रेविस आप सबको पता ही होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं हमारे ही बॉडी के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, जिसके कारण होता है मायस्थेनिया ग्रेविस। तो मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, ऑटो इम्यून है तो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड। ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे NM रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर। जो NM रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स पे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है NM रिसेप्टर, उस NM रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं ये एंटीबॉडीज़। तो जब ये NM रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, मसल्स पैरालाइज हो जाएंगी एक तरह से। तो उस वजह से क्या क्या कंडीशंस आएंगी वो बात करने से पहले अभी एक बार बताता हूँ कि जो NM रिसेप्टर ब्लॉक हुआ तो उस वजह से जो है क्वांटिटी कम हो जाएगी। भाई NM रिसेप्टर बचेंगे वो उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जो NM रिसेप्टर बचते हैं उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो क्वांटिटी भी कम और क्वालिटी भी कम, तो मतलब इतने इफेक्टिव भी नहीं रहेंगे जो बचे हैं ना NM रिसेप्टर, वो इतने इफेक्टिव भी नहीं रहेंगे। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई जो NM रिसेप्टर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट किया, क्वांटिटी ऑफ NM रिसेप्टर्स भी कम कर दिया और क्वालिटी ऑफ NM रिसेप्टर्स को भी कम कर दिया। तो जिस वजह से क्या क्या सिम्टम्स आए, सिम्टम्स आए वीकनेस और फटीग। भाई मसल्स काम नहीं करेंगी तो धीरे धीरे बॉडी वीक होने लग जाएगी, वीकनेस और थकान महसूस होगी, फटीग। मोस्ट कॉमन मसल्स इन्वॉल्व होती है ओक्यूलर। तो सबसे पहली जो मसल या फिर बोल सकते हो मोस्ट कॉमन जो मसल इन्वॉल्व होती है वो होती है ओक्यूलर मसल्स। तो मेनली सबसे पहले NM रिसेप्टर जो है, ओक्यूलर मसल्स के NM रिसेप्टर वो इफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो सबसे रेजिस्टेंट मसल है, मतलब जो होती बहुत, मतलब कहती है मैं तो इफेक्टिव इफेक्ट होंगी नहीं, इसका कोई इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ने नहीं दूंगी, वो मसल है डायफ्राम। तो डायफ्राम लास्ट मसल होती है जो इन्वॉल्व होती है मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, और लास्ट मसल यही है और इसी मसल के इन्वॉल्व होते बंदा मर जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो अच्छी बात भी है कि ये लास्ट में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सबसे पहले इन्वॉल्व होगी तो सबसे पहले ही बंदा मर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो लास्ट मसल इन्वॉल्व इज डायफ्राम, और डायफ्राम जब इन्वॉल्व हो जाएगा तब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने के कारण बंदे की डेथ हो जाती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए, NM रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया, NM रिसेप्टर्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कम हो गई, जिसके कारण मसल पैरालाइज हो जाएगी एक तरह से, वीकनेस फटीग आएगी। मोस्ट कॉमन मसल आइज़ की मसल इन्वॉल्व है, ओक्यूलर मसल्स। लास्ट मसल इन्वॉल्व इज डायफ्राम, और जब डायफ्राम इन्वॉल्व हो जाता है तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम मायस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस कर सकते हैं। तो मायस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि मायस्थेनिया ग्रेविस हो रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। तो मेन जो साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस में वो मैं बता चुका हूँ, वीकनेस एंड फटीग। तो वीकनेस एंड फटीग जब किसी पेशेंट, कोई पेशेंट आपके पास आया क्लिनिक में, उसने बोला कि बहुत थकान हो रही है, फटीग हो रही है, तो ये साइंस एंड सिम्टम्स आप देखोगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मायस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। ये नहीं कहोगे कि वही है, हो सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे, तो पहला डायग्नोसिस में हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स जो है वीकनेस एंड फटीग। फर्दर हम टेस्ट करेंगे एक जिसे बोलते हैं टेंसिलोन टेस्ट, जिससे हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये है या नहीं। टेंसिलोन टेस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तब जब मैं बात कर रहा था क्वार्टरनरी अमीन्स की, तो इसमें तीन पड़े थे, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम मैंने बोला था शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस में, टेंसिलोन टेस्ट इसका नाम है। तो वही मायस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में इसको यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो मायस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में कैसे यूज़ करेंगे, एड्रोफोनियम आईवी देते हैं। सबसे पहले जो पेशेंट हमारे पास आया था उसको हम एड्रोफोनियम देंगे 2 to 10 मिलीग्राम आईवी इंट्रावेनस रूट से उसको देंगे। एड्रोफोनियम क्या करेगा, एड्रोफोनियम है क्या, क्वार्टरनरी अमीन्स, और क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिटर है, किसका, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम का। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा था। तो एड्रोफोनियम क्या करेगा, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा रिवर्सिबली, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन जो है वो टूटेगा नहीं, और एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा तो एक्शन ज़्यादा एक्शन करेगा एसिटाइल कोलिन, जिस वजह से मायस्थेनिया ग्रेविस के जो सिम्टम्स आ रहे थे उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बोलो कि कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, अरे भाई मान लो आइज़ की मसल्स हैं वहाँ पे NM रिसेप्टर बहुत सारे हैं,
100 NM रिसेप्टर थे, 50 डैमेज हो गए, 50 अभी बचे हैं, तो वो 50 100 का काम तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर वो 50 हैं और अगर हम एस्टाइल कोलिन को बढ़ा दें तो क्या होगा, एस्टाइल कोलिन ज़्यादा देर तक एक्शन करेगा, तो वो जो 50 जो थे वो एक तरह से 100 का काम वहाँ पर कर सकते हैं। मैंने बोला कि 100 रिसेप्टर थे, उनमें से 50 तो हो गए डैमेज, बचे कितने 50। अब ये 50 100 का काम नहीं करेंगे, ये 50 रिसेप्टर जो बचे हैं NM रिसेप्टर्स, ये 100 का काम तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर इस पे जो एक्ट करने वाला जो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर था एस्टाइल कोलिन, अगर हम उसको बढ़ा दें, मतलब वो पहले 5 मिनट के लिए काम कर रहा था, अब वो 10 मिनट के लिए अगर रह रहा है, तो 10 मिनट के लिए अगर ये एस्टाइल कोलिन काम करेगा तो ये एक तरह से 100 का काम कर सकता है। तो इस वजह से जो 50 होने के कारण जो सिम्टम्स आए थे वीकनेस एंड फटीग, वो इम्प्रूव हो जाएगी अब। तो इस वजह से ये टेस्ट करते हैं, एड्रोफोनियम देते हैं 2 to 10 मिलीग्राम, और एड्रोफोनियम का एक्शन आपको पता है 8 से 10 मिनट तक रहता है बस। तो ये एड्रोफोनियम एस्टाइल कोलिन बढ़ाएगा, और एस्टाइल कोलिन बढ़ने के कारण मायसिना ग्रेविस के जो सिम्टम्स थे वीकनेस एंड फटीग, ये इम्प्रूव हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये मायसिना ग्रेविस ही है। तो इसे बोलते हैं हम टेंसिलोन टेस्ट, ठीक है, या फिर एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम क्या है, क्वार्टरनरी अमीन है। थर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, वो हम देख सकते हैं जो एंटीबॉडीज़ जो बनी हुई हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई एंटीबॉडीज़ ब्लड में हैं या नहीं। तो ब्लड टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि इसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है NM रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। तो अलग अलग टेस्ट हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के, वो हम कर सकते हैं एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। तो तीन तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं, सबसे पहला साइन सिम्टम्स देखेंगे, फिर एड्रोफोनियम टेस्ट, और उसके अलावा सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज हम चेक कर सकते हैं NM रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। तो ये हो गया इसका डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन के बारे में, जो कि क्वार्टरनरी अमीन्स थे। तो नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन के दो एक्शन थे, एक तो इनडायरेक्ट एक्शन वही एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनिबिट करना, जिस वजह से एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा। दूसरा इनका एक्शन होता है कि ये NM रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, तो डायरेक्टली भी NM रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं ये, जिसके कारण मायसिना ग्रेविस में जो पेशेंट्स हैं उनकी मसल पावर इंप्रूव हो सकती है। तो इस वजह से नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन को देते हैं ट्रीटमेंट के लिए मायसिना ग्रेविस में। तो इसके जो ट्रीटमेंट अब हम पढ़ेंगे उसमें हमें दो नाम देखने को मिलेंगे, नियोस्टिग्मिन एंड पैरिडोस्टिग्मिन। डायग्नोसिस में हमने क्या पढ़ा था, एड्रोफोनियम। तो ट्रीटमेंट ऑफ मायसिना ग्रेविस में हम दो तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं वीकनेस फटीग उसको दूर करना। दूसरा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो यही है ना कि बिल्कुल ठीक कर दें। तो बिल्कुल ठीक कब होगा, तो जो एंटीबॉडी बनी हुई है हमारी बॉडी में, जो ब्लड में सर्कुलेट कर रही है एंटीबॉडीज़ NM रिसेप्टर के अगेंस्ट, उन एंटीबॉडीज़ को ही अगर हम रिमूव कर दें तो डैमेज ही नहीं होगा NM का, तो वो हो जाएगा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। और एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें हम वीकनेस फटीग जो सिम्टम्स आ रहे थे उसको दूर करें, मतलब पेशेंट को थोड़ा सा चैन की सांस मिले। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम वही देते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस, कौन कौन से, नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन। पाइरिडोस्टिग्मिन ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है, इस वजह से पाइरिडोस्टिग्मिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दो एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस हम दे सकते हैं, एक नियोस्टिग्मिन और एक पाइरिडोस्टिग्मिन। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि वो एस्टाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे, जिसके कारण एस्टाइल कोलिन का एक्शन रिसेप्टर्स के ऊपर थोड़ा बढ़ जाएगा, प्रोलोंग्ड एक्शन होगा, ज़्यादा समय तक एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर काम कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जब एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस देते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, तो साथ में हम एट्रोपिन भी देते हैं। अब आप पूछोगे एट्रोपिन क्यों देते हैं, क्योंकि एट्रोपिन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि एसिटाइल कोलिन के मस्करिनिक जो साइड इफेक्ट्स थे उसको दूर करता है। मस्करिनिक साइड इफेक्ट मतलब डंबल्स जो हमने पढ़ा था, डायरिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया, मियोसिस, इन सबको साइड इफेक्ट्स को ब्लॉक कर देता है। भाई अब इसमें क्या जरूरत है ब्लॉक करने की, तो हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन दो जगह एक्ट करता है, जो एसिटाइल कोलिन है वो दो जगह एक्ट करता है, एक एन रिसेप्टर के ऊपर और एक एम रिसेप्टर के ऊपर। तो NM के ऊपर तो हम चाहते हैं कि वो काम करे, क्योंकि मायसिना ग्रेविस में NM को डैमेज हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि एसिटाइल कोलिन इस पर काम करे। लेकिन एस्टाइल कोलिन भाई ऐसा तो है नहीं कि हम एस्टाइल कोलिन बढ़ाएंगे तो वो सिर्फ इस पे काम करेगा, बायस तो है नहीं वो, तो एस्टाइल कोलिन तो एम के ऊपर भी काम करेगा, मस्करिनिक पे भी काम करेगा, और मस्करिनिक पे काम करेगा तो साइड इफेक्ट देगा डंबल्स वाले,
तो ये साइड इफेक्ट आएंगे। तो इन साइड इफेक्ट को बचाने के लिए, इसको हम इनहिबिट करने के लिए, ये साइड इफेक्ट ना आए, उसके लिए हम देते हैं एट्रोपिन। क्योंकि एट्रोपिन मस्करेनिक जो इफेक्ट्स आ रहे थे एसिटाइलकोलाइन के डंबल्स, उसको इनहिबिट कर देता है कौन, एट्रोपिन। इस वजह से एट्रोपिन हम साथ में देते हैं एंटीकोलिनेस्टेसिस के, ताकि एसिटाइलकोलाइन का जो हमें एक्शन चाहिए, सिर्फ NM के ऊपर एक्शन चाहते हैं हम, सिर्फ वही एक्शन वो दे, और M वाला एक्शन हम इनहिबिट कर देते हैं एट्रोपिन देके। तो इस वजह से कोई पूछे एंटीकोलिनेस्टेसिस के साथ हमेशा एट्रोपिन क्यों दिया जाता है, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है एंटीबॉडीज़ को रिमूव करना, उसके लिए देते हैं स्टीरोइड्स। और मोस्ट कॉमन स्टीरोइड्स जो देते हैं वो है प्रेडनिसोन। ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है प्रेडनिसोन, लेकिन कोई भी स्टीरोइड आप दोगे तो उसके कारण एक सिंड्रोम हो जाता है, कशिंग सिंड्रोम। और कशिंग सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके साथ में देते हैं एजाथियोप्रिन या फिर अदर स्टीरोइड स्पेयरिंग एजेंट्स लाइक साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोसिरिन, वो सब चीज़ें दे सकते हैं। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हम स्टीरोइड्स देते हैं। स्टीरोइड्स में सबसे कॉमन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है प्रेडनिसोन, ठीक है। और लेकिन जो स्टीरोइड्स होते हैं उनका साइड इफेक्ट होता है कशिंग सिंड्रोम, उसको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं स्टीरोइड स्पेयरिंग एजेंट लाइक एजाथियोप्रिन और साइक्लोफोस्फामाइड एटसेट्रा। तो ये हो गया डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट उसके अलावा बात करें, मान लो ये जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दिया इससे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में हम प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं और इम्यून थेरेपी दे सकते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस से हम एंटीबॉडीज़ रिमूव करेंगे ब्लड से, और इम्यून थेरेपी भी दे सकते हैं रेजिस्टेंट केसेस में। तो रेजिस्टेंट केसेस में क्या क्या एक्स्ट्रा देते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस एंड इम्यून थेरेपी। मेन ट्रीटमेंट दो हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। उसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस और इम्यून थेरेपी देते हैं रेजिस्टेंट केसेस में। और मान लो हमने एंटीकोलिनेस्टेसिस का लॉन्ग टर्म यूज़ कर दिया, एंटीकोलिनेस्टेसिस जो हमने दे रहे थे उसको बहुत दिनों से चला ही रखा है, बहुत दिन से एंटीकोलिनेस्टेसिस दिए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मतलब एंटीकोलिनेस्टेसिस क्या कर रहे हैं, एसिटाइलकोलाइन को बढ़ा रहे हैं, उसके एक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो अगर बहुत लंबे समय तक देते हैं या फिर ओवरडोज दे देते हैं एंटीकोलिनेस्टेसिस का, तो उसकी वजह से एसिटाइलकोलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाता है। और एसिटाइलकोलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन होगा। एसिटाइलकोलाइन क्या करा रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डीपोलराइजेशन के कारण करती है। तो अगर बहुत लंबे समय तक मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी या डीपोलराइज्ड रहेगी, तो उस वजह से भी मस्कुलर वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी और न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म यूज़ के कारण क्या हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है और न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन होने के कारण। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा लंबे समय तक एंटीकोलिनेस्टेसिस नहीं दिए जाते। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। अब इसके ट्रीटमेंट को और थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। माइस्थीनिया ग्रेविस दो तरह का होता है, एक सबसे पहली मसल इन्वॉल्व होती है ओक्यूलर, उसके अलावा अगर कोई मसल इन्वॉल्व है तो उसे बोलते हैं जनरलाइज्ड माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस अगर आई की मसल को इन्वॉल्व करता है तो बोलते हैं ओक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस, और किसी मसल को इन्वॉल्व करता है तो बोलते हैं जनरलाइज्ड माइस्थीनिया ग्रेविस। तो ओक्यूलर माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या ट्रीटमेंट दोगे, सबसे पहले तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं एंटीकोलिनेस्टेसिस। अगर एंटीकोलिनेस्टेसिस काम नहीं कर रहे या फिर इससे रेजिस्टेंस आ चुकी है बॉडी में, तो उस कंडीशन में दे देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइक प्रेडनिसोन मैंने बताया था, जो एंटीबॉडी रिमूव करने के काम आएंगे। ये हो गया ओक्यूलर का ट्रीटमेंट, क्योंकि ओक्यूलर इतनी खतरनाक नहीं है कि बंदा मर जाए। लेकिन अगर किसी को जनरलाइज्ड माइस्थीनिया ग्रेविस है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही देते हैं एंटीकोलिनेस्टेस, ठीक है। तो दोनों में पहला ट्रीटमेंट एंटीकोलिनेस्टेस ही है। लेकिन अगर एंटीकोलिनेस्टेस से रेजिस्टेंस आ जाए या फिर ये काम नहीं कर रही है एंटीकोलिनेस्टेसिस, तो उस कंडीशन में हमें करनी पड़ती है थायमेक्टोमी। तो थायमेक्टोमी की मेन दो इंडिकेशंस हैं, या तो रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है। अब रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है तो आप समझ जाओगे कि बंदे को डायफ्राम जो मसल है वो इन्वॉल्व हो रही है धीरे धीरे, और बंदा अब मर सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण बंदे की डेथ हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, थायमेक्टोमी कर दोगे, थाइमस को हटा दोगे। तो जिस वजह से क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनना कम हो जाएगी, एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो NM रिसेप्टर फर्दर डैमेज नहीं होगा और बंदा बच जाएगा। तो थायमेक्टोमी इस कंडीशन में करते हैं जब रेस्पिरेशन में दिक्कत आने लग जाती है, तब, उससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं बनेंगी तो हमारा बॉडी इम्यूनिटी कहाँ से लेके आएगा, और भी तो एंटीबॉडीज़ होती हैं, सिर्फ यही एक एंटीबॉडी थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा है थायमस। तो थायमेक्टोमी की दो इंडिकेशन है, या तो किसी पेशेंट में एसोसिएटेड थायमोमा है या फिर रेस्पिरेशन में कमी आ रही है, तो उस कंडीशन में थायमेक्टोमी कर देंगे। और थायमेक्टोमी करने के बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो आखिरी में इस कंडीशन में भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं। तो मतलब ओक्यूलर में सिर्फ दो स्टेप हैं, पहला एंटीकोलिनेस्टेस दे दो, दूसरा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे दो।
जबकि जनरलाइज्ड में पहला एंटीकोलिनेस्ट्रेस दो, उससे रेजिस्टेंट होता था एमेक्टोमी, और थर्ड नंबर पे दो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। तो ये है हमारा ओवरऑल ट्रीटमेंट मायसिनिया ग्रेविस का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।